हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिवान ब्लॉग्स। सबसे पहले आप सबको हैप्पी होली। तो आज का मेरा ब्लॉग है, आज सबसे पहले हम आ गए हैं शॉप में विवान और मैं लेने समोसम और ग्लू। समोसा नहीं, समोसम, क्योंकि मुझे करना है अपने गैलरी का और टेरेस का मेकओवर। तो यहाँ आ गए हैं हम दोनों शॉप में और हमने ले लिया है समोसम और ग्लू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिवान व्लॉग्स। तो आज मैं कर रही हूँ कुछ नया। ये है हमारी छत और ये हो रखी है ब्लैक, ये देखिए। अब मैं इसमें करूँगी कि ताकि मैं इसको चमका सकूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये समोसम। तो ये मैं ले रही हूँ समोसम और इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसका अच्छा सा डो बनाऊंगी ताकि इसमें लम्स ना रहें। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है पानी में पहले, तो वही मैं मिक्स कर रही हूँ। आप ग्लव्स पहन के भी कर सकते हो, मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो मैंने वैसे ही हैंड से इसको मिक्स कर दिया और इसके सारे लम्स मैंने हटाए। और फिर उसके और ये है ग्लू जो कि समोसम वाली शॉप में ही मिल गया था। तो उसके बाद मैंने अच्छे से इसको समोसम के साथ मिक्स कर दिया और फिर उसके बाद इसमें मिक्स किया है वाटर। इसको ग्लू को इसलिए मिक्स करते हैं ताकि दीवार पे अच्छा ये पकड़ बना सके। तो ये रही मेरी ब्लैक ब्लैक पहले वाली वॉल्स छत की, जिसमें मैं कर रही हूँ ये फर्स्ट कोट समोसम का। और समोसम करने से पहले हमें सारी वॉल्स को थोड़ा पानी से भिगाना है, उसके बाद हमें ये करना है। तो अभी जब ये सूखेगा तो इसका कलर और ही ब्राइट होके आएगा। तो अभी ये गीला है और मैं इसमें ये कर रही हूँ समोसम, और ये करने में मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये सूख रहा है वैसे वैसे इसका कलर बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखो हमारी काली छत हो गई है गोरी। वो अभी मात्र 200 रुपए में, सबसे सस्ता मात्र 200 रुपए में, ठीक है। तो ये हो गया मेरी छत का मेकओवर और ब्लैक ब्लैक वॉल से हो गई है वाइट और अच्छे चमकने लग गई हैं। फिर उसके बाद मैंने ये हमारी गैलरी है, बाहर का व्यू तो बहुत अच्छा है लेकिन गैलरी की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी रिपेयर मेंटेनेंस की। देखो बंच लगा हुआ है बनाना का हमारे घर के सामने ही, और इसकी हालत बहुत ख़राब थी तो मैंने सोचा इसे भी मैं ठीक करती हूँ। छुट्टी था और सोचा खुद ही कर लेती हूँ, और 200 रुपीज़ में ये सारा मेरा दोनों सामान आ गया था, ग्लू भी और समोसम भी, जिसे मैंने खुद ही कर लिया और पैसे बचा लिए अपने। तो सबसे पहले तो रिपेयर करने के लिए मैंने थोड़ी सी पुट्टी ली है जो कि हमारे घर में पड़ी हुई थी, और इसमें थोड़ा सा वाइट सीमेंट मिला दिया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। मुझे अपने घर की रिपेयर मेंटेनेंस खुद ही करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल कोई भी अच्छा काम करने वाला नहीं मिलता है और फालतू में पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो खुद ही जितना मुझसे हो सकता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर ये मैंने बना दिया है पुट्टी का थोड़ा सा घोल और रिपेयर कर रही हूँ जहाँ जहाँ पर रिपेयर की ज़रूरत थी वॉल्स में। तो अब मैंने ये कर दिया है रिपेयर। ये हो गया है मेरा पूरा रिपेयर का काम पुट्टी से। जहाँ जहाँ भी प्लेन नहीं था पहले मैंने ये करके प्लेन किया,
और फिर उसके बाद मैं इसमें समोसम करूँगी। मैं वाइट कलर का लेके आई थी, और भी कलर्स के मिलते हैं लेकिन मुझे वाइट अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने वाइट लिया। वैसे गंदा तो हो जाता है लेकिन मैंने वाइट चूज़ किया। तो ये सारा रिपेयर का काम मेरा हो गया है। अब दोबारा से मैंने ले लिया है समोसम की थैली और मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करा और इसमें फिर मैं मिलाऊंगी पानी और दोबारा से इसे सारा अच्छे से मिक्स करूंगी। इससे जो है वॉल्स में बहुत नई जान आ जाती है, और अगर हम खुद ही करना, ये बहुत इजी होता है, हम इसे आसानी से कर सकते हैं। आज छुट्टी थी तो मुझे लगा क्या करूं, तो मैंने सोचा कि मैं ये कर लेती हूँ। और अब मैं मिला रही हूँ इसमें ग्लू मैंने मिला लिया है और इसको अच्छे से मैं इसमें मिक्स कर दूंगी दोबारा से। ये वीडियो विवान बना रहा है तो इसलिए ये काफ़ी हिल रही है वीडियो। तो ये मेरा सारा हो गया था और दोबारा से मैंने अपनी जो गैलरी थी उसको भी, उसका मेकओवर करना भी शुरू कर दिया है। ये करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही कम रेट में मेरा मेकओवर हो रहा था और बहुत ही जल्दी हो गया था, ज़्यादा टाइम भी मुझे नहीं लगा। तो ये रहा फाइनल लुक मेरी गैलरी का, जिसे मैंने गैलरी को भी चमका दिया है बाहर के व्यू की तरह। ओके बाय, मिलते हैं कुछ नया लेके आऊंगी दूसरे व्लॉग में। बाय, तब तक के लिए टेक केयर।